कंचन है। मैं आप लोगों को बेट पान के बारे में बताने जा रही हूँ। बेट पान का इंट्रोडक्शन, बेट पान का इंट्रोडक्शन, जो भी मरीज सर्जरी हो या फिर उनको पैरालाइज हो गया हो या फिर किसी अन्य चपेट में हो और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था में वो बेड पर ही लेटे रहते हों, उस कंडीशन में हम बेड पान का यूज़ करते हैं पेशेंट के साथ में। बेड पान हमारे दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल होता है। ये जो फीमेल होता है, हिप फ्रैक्चर हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है, उस कंडीशन में जब पेशेंट हमारा उठ नहीं पाता, अपने पैरों पे चल नहीं पाता है और बाथरूम तक वो जा नहीं सकता है, उस कंडीशन में हम बेड पान का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें यूरिन लेना हो या फिर आउटपुट स्टूल आउटपुट कराना हो तो हम बेड पान के जरिए ही कराते हैं। मरीज यदि अपने बहुत कमज़ोर है और वो सक्षम नहीं है तो उसे हमें सपोर्ट भी करना होता है। उसके एक हाथ उसके गले पे लगाते हैं और उसको उठाते हैं और बेड पान का यूज़ हम करते हैं। जब वो अच्छे से स्टूल आउटपुट कर लेते हैं या यूरिन आउट कर लेते हैं तो हमें उनके सफाई के लिए फिर गीली तौलिया या फिर ग्लव्स पहन करके गीली तौलिया लेकर के अच्छे से साफ़ करते हैं, पोंछते हैं और फिर उसको बाहर करते हैं। मेल के पास ये जो पार्ट होता है ये मेल यूरिन पॉट होता है। इससे हम मेल के लिए यूरिन के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है, जब वो गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसे उस कंडीशन पे हम ये अपने दोनों हम लोग जो होते हैं वहाँ पे उस टाइम पे हम ये पॉट्स दोनों यूज करते हैं उनके पास जा करके। थैंक यू।